उसके बाद में दस बारह मिनट के लिए उसका बात करें। आज मंगल सृष्टि की इस बैठक में, संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से सभी मंगल सृष्टि से जुड़े हुए हैं गतिविधियों में और कई तो हमारे विषय समूहों के संयोजक यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उनको विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। कुछ मौलिक विषयों पर संवाद को आगे बढ़ाना, परंतु सेलेक्टेड समूहों में, विशिष्ट समूहों में, छोटे समूहों में संवाद को आगे बढ़ाना और इस प्रकार से बढ़ाना कि उसका शोध और अनुसंधान में भी सहायता मिल सके कालांतर में, और संदर्भ की दृष्टि से भी वो उपयोगी हो, ऐसा संवाद बढ़े, यह एक भूमिका मंगल सृष्टि में तय हुई है। इस क्रम में हमने कई संवाद आयोजित किए हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और उसमें एक विशिष्ट आयाम जोड़ते हुए आज का यह संवाद आयोजित किया गया। आज अभी हम एक परिचय सत्र जैसा संक्षिप्त में करेंगे, जिससे हम सभी एक दूसरे को जान सकें। बहुत जानते हैं, परंतु डॉक्टर बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी सुविधा होगी। परंतु सर्वप्रथम मैं अब सबका परिचय ठीक से, हालांकि संक्षेप में सबको पता है, आप थोड़ा सा सचेत। आप तो आदरणीय डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी जी हैं और भारतवर्ष में साहित्यिक क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी बड़े लोग हैं और विभिन्न भाषाओं, सिर्फ हिंदी में नहीं, वे सभी डॉक्टर साहब के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। डॉक्टर साहब पर भारत सरकार के दूरदर्शन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, प्रसारित की गई है। अनेक अखबारों में डॉक्टर साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर लेख इत्यादि छपे हैं। सबसे जो विलक्षण बात है डॉक्टर साहब के विषय में, वो ये है कि ये उत्तर भारत में जन्मे और इन्होंने कर्म क्षेत्र एकदम सुदूर दक्षिण केरल का एक सुदूर क्षेत्र को चुना और लगभग आधी सदी का जीवन फिर वहीं लगा। कर्मक्षेत्र कई बार स्वाभाविक योजनाओं के कारण भी बदलते हैं, ऐसा तो बहुत होता है। किसी की आजीविका के कारण कोई दक्षिण चला गया, कोई उत्तर चला गया, दक्षिण, ऐसा होता रहता है। परंतु कोई नवयुवक देश के और दुनिया की एक बहुत बड़ी विभूति समझे जाने वाले, महानायक समझे जाने वाले प्रधानमंत्री के की चुनौती के वाक्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करे, सर्वप्रथम उन्हें ही चुनौती दे डाले 19-20 वर्ष की अवस्था में, और फिर उनकी बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करके और चला जाए और फिर जो कहे उसे करके दिखाए, ऐसा सुधांशु जी ने अपने जीवन में किया है। यह घटना इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ घटी थी जब ये बिल्कुल युवा थे। हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए ऐसा इन्होंने आग्रह रखा था, एक सभा में पंडित जी बोल रहे थे। उन्होंने अपने ढंग से रखा था कि हिंदी बनाने में बहुत दिक्कतें हैं, असुविधाएँ हैं, इन्होंने प्रतिवाद किया। आप समझ सकते हैं नेहरू जी का खुला प्रतिवाद कहीं करना कितनी बड़ी बात थी वो भी एक युवा व्यक्ति के लिए। फिर बाद में 3 मूर्ति भवन में आपका नेहरू जी से व्यक्तिगत बातचीत हुई। नेहरू जी ने कहा तुम युवा हो, जानते नहीं अभी सब देश कितना बड़ा है, मुझे पूरा देश चलाना है, तुम्हारे जैसी पूरी भावुकता में बहकर मैं देश तोड़ दूँ, थोप दूँ हिंदी दक्षिण पर, ये चाहते हो तुम, जैसा उनका स्वभाव था। सुधांश डॉक्टर साहब ने अपने ढंग से तर्क रखा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बात बड़ी कर रहे हो, दक्षिण में जाकर काम करके दिखाओ, तो इस दक्षिण की भाषा सीख कर उस पर पहले काम करो। तो डॉक्टर साहब ने एक संकल्प लिया, कहा ठीक है आप कहते हैं तो यही करूँगा। वो व्रत लेकर आप केरल चले गए और मलयालम का गहन अध्ययन किया, और अध्ययन ऐसा किया कि मलयालम के इतने बड़े डॉक्टर साहब आज विद्वान हैं कि मलयालम का कोई ऐसा बड़ा विद्वान नहीं है जो डॉक्टर साहब को आदर के साथ नहीं जानता। और फिर संस्कृत के अनेक मूल ग्रंथों का, कालिदास, भास, वाल्मीकि रामायण सहित अनेक मूल ग्रंथों का मलयालम में अनुवाद कर डाला,
मूल और मलयालम में भी अनेक कृतियाँ लिखी, मलयालम की मौलिक कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया। ऐसा करते हुए 100-125 ग्रंथ डॉक्टर साहब ने मौलिक व अनुवाद के लिखे। साहित्य अकादमी, अनुवाद परिषद, ऐसे न जाने ढेरों सम्मान डॉक्टर साहब को मिले, केरल में भी और अखिल भारतीय स्तर पर भी। तो ऐसा इनके कृतित्व पर ही अपने आप में एक बहुत लंबा बोला जा सकता है। संक्षेप में मैंने बताया कि डॉक्टर साहब, और इसलिए हम डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं, ये समय निकाल कर यहाँ पर आए हमारे बीच में। और हमारे विषय का एक आयाम ऐसा है जिसे हम मंगल सृष्टि के अधिष्ठान के मूल स्वरूप से जुड़ा हुआ मानते हैं, वह है भारतीय चिंतन परंपरा का मूल तत्व तो क्या है। मंगल सृष्टि पाश्चात्य रचनाओं के विकल्प में भारतीय आधारों पर नई रचनाएं खड़ी करने की दृष्टि से शोध अनुसंधान व अध्ययन का काम करने में लगी हुई एक संस्था है, परंतु उसके मूल में है भारतीय चिंतन परंपरा। भारतीय चिंतन परंपरा के मूल में है भारत का तत्व, उसका तात्विक ज्ञान। डॉक्टर साहब ने काफी मुझे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुझे ग्रिल किया, उसे मैं हिंदी के लिए उतना, जैसे जो पत्रकार इस्तेमाल करते हैं, वॉज ग्रिल्ड, तो इन्होंने मुझे काफी उस पर ग्रिल किया जो मैंने विषय चुना कि भारतीय मनीषा के मूल स्रोत। उनका भी मनीषा क्या है, काफी आप भैया मनीषा कैसे ढूंढ निकाला, कैसा है, क्या है। मैंने कहा आपने ढंग से जो मुझे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अज्ञान है वो मैंने तब सबके सम्मुख व्यक्त किया, जैसा भी है विषय सोचा है और उस विषय पर डॉक्टर साहब आप रखेंगे। उसके पहले हम यहाँ इस क्रम से अपना एक संक्षिप्त परिचय देना शुरू करें। अनिल वर्मा, संगम अपार्टमेंट में निवास, बैंक से रिटायर्ड और मंगल सृष्टि में समन्वय के तहत काम। मैं एक मिनट इसको जरा यहाँ पर क्षमा करें। माननीय बजरंगलाल जी को सब जानते हैं, माननीय बजरंगलाल जी अपना परिचय लेकिन नहीं देंगे, तो सब भी जानते हैं, वो इस मंगल सृष्टि के अध्यक्ष हैं। निर्मल, हरियाणा सोनीपत में रहता हूँ, व्यवसाय से चिकित्सक। निर्मल बड़ेगा, पानीपत हरियाणा में रहता हूँ, व्यवसाय मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। मनजीत सिंह, मूल निवासी के तुम कहते हो, रियल एस्टेट का व्यवसाय है सामाजिक क्षेत्र में। कौन सा है? रियल एस्टेट, रियल एस्टेट। कैलाश गुप्ता मेरा नाम है, भारत सरकार से रिटायर हुआ हूँ और टेक्नोलॉजी आईटी में। डॉक्टर प्रकाश खत्री, स्वामी शर्धन कॉलेज में प्राध्यापक हूँ और मंगल सृष्टि के शुरू से ही जुड़े हुए हैं। विष्णु कुमार, कथनगार पीतम्बरा में रहता हूँ, सामाजिक काम में डॉक्टर हूँ, जैसे रिटायर मंगल सृष्टि के आप ऑफिस से करते हैं। नाम होता है शर्मा, मैं ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में रहता हूँ, शिक्षण से जुड़ा हूँ, पहली बार इस सभा में आया। उसको मैं दुर्गम भटनागर हूँ, बजरंग लाल जी के निर्देश पे मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी इनसे, अपने पिताजी जो अपने टाइम में प्रचारक रहे हैं, उनसे, उनके साथ बैठ के बात हुई थी, तो मैंने अपने कुछ विचार इनके सामने प्रकट किए थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद इनको यहाँ पर आने का मौका दिया जाए। और वैसे मैं शिक्षण से जुड़ा हूँ और शायद भगवान की कृपा से शूटिंग जो हमारे देश में आजकल काफ़ी चल रही है उससे भी जुड़ा हूँ। 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2006 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लिया था मैंने डबल ट्रैप शूटिंग में। विक्रम जी बहुत प्रेस्टीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बहुत ही कितने विचार होते हैं। मैं अभिनव आचार्य दीपाली से आया हूँ, पीतमपुरा से, व्यवसाय है मेरा और डॉक्टर साहब के कहने पर। मैं सारस्वत मोहन मनीषी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूँ और बजरंग जी का छात्र। जानी मानी कवि है, बहुत ही
अत्यंत देश में राष्ट्रीय विचारों से बहुत ओझपूर्ण कविता करने का परमात्मा ने जिन पर कृपा की है मनीष विषय प्रारंभ कर मैं तब सबसे अद्भुत करूँगा मूकम करो की वाचा पंगुन लंगते कम करें क्या ये इसको पंखे की आवाज में क्या स्टोरी कम कर ये वाला भी कर हाँ ये वाला भी कम कर दे और जरा वो दरवाजा भी बंद कर दिया वो लेकिन दरवाजा भी कागज उससे ज्यादा आवाज ठीक है अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै आज का विषय बहुत ही गंभीर है और मैं सुनील जी के निर्देश के अनुसार यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन मनीषा शब्द अपने में इतना अद्भुत है कि उसी पर अगर बोला जाए तो कम से कम एक घंटा चाहिए उसके लिए लेकिन अब चूँकि उसके मूल स्रोत विषय जो है भारतीय मनीषा के मूल स्रोत ये विषय है तो जब हम भारतीय मनीषा की बात करते हैं तो एकदम पहुँचते हैं वेदों में उसके पहले जो हमें वेद दे गए हैं जिनको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू या मनीषी कहें भी तो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू अब ये शब्द जो है अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्वती जब पार्वती तपस्या कर रही थी शंकर जी को पाने के लिए तो हिमालय ने ही कहा मनीषिता संति गृहेषु देवता जब तुम्हारे यहाँ मनीषी इतने बड़े बड़े मनीषी लोग हैं इतने बड़े बड़े देवता हैं तो तुम ये कठोर तप क्यों कर रहे हो आप सोचिए कि 10,000 साल जिस व्यक्ति ने तपस्या की हो और एक तत्व को पाने के अब वो शिव था और शिव को पाया भी वो बहुत लंबी कहानी है कैसे और कब हुआ कैसी परीक्षा हुई अपनी परीक्षा तो ये चीज़ें अपने हमारी परंपरा से हमें जोड़ती हैं ऋषियों से हमें जोड़ती हैं और ऋषियों ने जो चिंतन किया वो चिंतन मनन निध्यासन जो था उनका जो कुछ उन्होंने दिया वो समझना ही हमारा कर्तव्य है लेकिन अभी जो हमें मिला है वो उसका 1% भी नहीं है जो वेदों को हम वेद कह रहे हैं 4 वेद वो 1% भी नहीं है जो सूक्त जो उन्होंने मतलब क्योंकि उस समय क्या है कि कुछ लिखा नहीं जाता था इसलिए वेद को हमने सूक्तों के रूप में देखा है क्योंकि जैसे हमारे सामने कोई भाव आता है तब आता है जब हम तपस्या करते हैं और आपको मालूम है कि हमारे राक्षस लोग भी इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करके गए हैं चाहे रावण हो चाहे भस्मासुर हो आप ये सोचिए कि उस समय जो हमारे पास था रावण का पुष्पक विमान ले लीजिए या भस्मासुर का जो अभी खोज मिली है उसका एक महल मिला है तो इसका अर्थ क्या था उनके पास हजारों जिसको आप हेलीकॉप्टर कह सकते हैं आज तो उसके लिए पायलट चाहिए लेकिन वहाँ पर तो हम बैठे बैठे जहाँ चाहें जा सकते थे कितनी अद्भुत सिद्धि थी वो राक्षसों की जब हमारे यहाँ राक्षस ऐसे थे तो देवता क्या होंगे आप सोचिए कि उन राक्षसों आज की जो हम राक्षसी वातावरण देख रहे हैं उस राक्षसी वातावरण किसी के पास कोई सिद्धि नहीं है अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ जो थी आप देखिए रत्न के लिए हमें रत्न वो तो रत्न जटित महल थी और जो चाहते थे विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति कर सकते थे अब जैसे रियल इस्टेट के लोग जब देख रहे हैं क्या हम बेच रहे हैं अपने संस्कारों को बिना पाए हुए भारतीय जो उन्होंने मनीषा की बात कही है उसको देखिए कि आप कामायनी को याद कीजिए कि यमगिर के उत्तुंग शिखर बैठ से राके सीतर छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह
नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व के ही प्रधान था, कहो उसे जड़या चेतन। अब देखिए कहाँ पर हम पहुँचते हैं, जब एक व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, फिर श्रद्धा उससे जुड़ती है, फिर लीला से जुड़ती है, फिर सृष्टि होती है, एक वहां बहुत श्याम। अब ब्रह्म का अर्थ देखिए, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मतीत वर्धतीत ब्रह्मा, बी आर ए एच एम ए ब्रह्मा है, लेकिन अगर आप यच को इधर लाए तो भ्रम है, हम सब भ्रम में है, ब्रह्म का साक्षात्कार ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म और मोक्ष है, बाकी तो बहुत है, वो भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, लेकिन हम अर्थ के और काम के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं कि हम अपने धर्म को भूल गए और हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं रहा। तो अब इस विषय की गहराई में जाने का अर्थ यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वेदों का चिंतन करते हैं तो वेद मात्र वेद नहीं, उसके वेदांग भी है। अब देखिए चिंतन कहाँ शुरू होता है, वेद है, ब्राह्मण जिनको हम कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण किसी से कहें तो क्या है ब्राह्मण, ब्राह्मण उस वेद के एक जो ऊपर जो अगला चरण है जिससे हम वेद को समझने के लिए ब्राह्मण आरण्यक। अब देखिए अब ये चीज़ें जो हैं, अब उपनिषद ये सब चीज़ें हैं, अगर हम गहराई से जाएं तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन हम इतना कह दें कि वेद का अर्थ है ज्ञान। अब ये चाहे स्रोत सूत्र हो, चाहे ग्राह्य सूत्र हो, चाहे मतलब आप ले लें उनको धर्म सूत्र, तो मैं प्रकारांतर से एक बात कह दूं आपसे कि मैंने अभी सुनील जी इसीलिए शायद जब मैं किसी दूसरे मूड में बैठता हूँ, सुनील जी ने पहले दिन मुझे पकड़ लिया, चार घंटे में बैठ गए, या फिर तो ये सोचते हो कि ये तो बोल देंगे, मैंने इनसे कहा कि मैं शायद कुछ ना बोल पाऊँ, कि जब आप बहुत गहराई में जाते हैं तो वाणी वहाँ मौन हो जाती है, और हमारे ऋषि मौन होकर के ही सब कुछ करते रहे, वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे थे, सच्ची एजुकेशन दे रहे थे। एजुकेशन है क्या, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ये पूर्णत्व का साक्षात्कार ही तो विद्या जो हमारी हम जो शिक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज की शिक्षा क्या है ये देखिए, ये इसी को एक ले लें कि हमारे ऋषियों ने हमें दिया क्या, कल्चर दिया, उसकी ईयर गायब है आज। कल्चर है क्या, कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड एज टू मैनिफेस्ट द सेल्फ। सेल्फ क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम द ट्रुथ द गुड द ब्यूटी, इसका कनेक्शन कहाँ है, सत्य चित आनंद एग्जिस्टेंस नॉलेज एंड ब्लिस। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी विषय को आप लेंगे, जब हम मनीषा से जुड़ते हैं, जब हम भारतीय मनीषा से जुड़ते हैं, उनके मूल स्रोतों को देखते हैं, तो कहीं पर भी आप जाइए एक सूत्र मिलेगा, वो आपके सामने नाचता हुआ एक सुंदर परी के समान आएगा, और वो आपको आपके अंदर एक पूरा का पूरा वातावरण। अब आप देखिए उदाहरण के लिए, अभी ब्रह्मांड की खोज कर रहे 37,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मशीन बार बार फेल हो रही है, हम आग्नेयास्त्र एटम बम बना रहे हैं, एकदम कई करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ क्या था, यत पिंडी तत् ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, अभी सोचिए कि आप क्या चाहते क्या है। जब हमारे यहाँ एक आग्नेयास्त्र बनाया जाता था, तो जब गुरु उसको देता था अपने शिष्य को, तो वो आग्नेयास्त्र जो आपका संकल्प है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को या उस समूह को समाप्त करने के बाद समुद्र में जाकर के स्नान करने के बाद आपके पास वापस आ जाता था। नागास्त्र, सारे नाग जो आपको पॉइजनस गैस कहते हैं, वहाँ तो साक्षात नाग लोग वहाँ प्रकट होते थे, और अपना काम समाप्त करने के बाद फिर वो नागास्त्र समुद्र में स्नान करके आ जाता। ब्रह्मास्त्र, नहीं, जितने भी प्रस्थ हैं हमारे यहाँ ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिए, जैसे अर्जुन ने जो पाया, तो अर्जुन ने कैसी की तपस्या की, तपस्या करने की, गुरु जो है एक बात तो निश्चित है, अग्नि परीक्षा लेता है, आज न तो गुरु है न शिष्य है, गुरु स्वयं में जो गुरु जो गुरुत्व है उसका जो गुरुत्वाकर्षण है जो जो उसका फोर्स है वो तो मैग्नेट की तरह से। तो गुरु क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा,
गुरु साहब परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ने नमः। अब गुरु जो है स्वयं राजनीति में, गुरु जो है स्वयं ही मदिरा का सेवन कर रहा है, गुरु अपने में उसका चरित्र नहीं है, तो कैसे क्या होगा? हमारे देश के भविष्य के ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है। हम आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के सामने मैं अगर कुछ कह भी रहा हूँ, अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगे कि मैं आपके सामने कुछ संतरे रख रहा हूँ जो आपको पसंद ना हो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो केवल यही है कि हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं जिसने हमें आर्य शब्द और आर्यावर्त, आर्य शब्द आर्य थे पूज्य थे आर्य, हमारी पूजा कौन कर रहा है? अभी सुनील जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति जिनके पास पैसा है या जिनके पास कोई चीज है वो उन लोगों को तो समझ रहे हैं, हम लोगों को कौन समझेगा? तो ऋषियों के पास पहले क्या था कि अब देखिए ऋषि वो गुरु जो होते थे वो कैसे होते थे कि महाराज दिलीप उनके पास उनके संतान नहीं थी, तो वो वशिष्ठ के पास जाते हैं, तो गुरु छूटते के देता है कि आप आए हैं, आपके संतान नहीं है, और संतान इसलिए नहीं है कि आपने किसी समय कामधेनु की अवज्ञा की थी, उसका परिक्रमा किए बिना आप चले रहे थे, ये गुरु, इसलिए अब मैं आपकी मनोकामना पूरी करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कामधेनु इस समय पाताल लोक में है, यज्ञ में गई हुई है, अब जब तक वो नहीं आती है तब तक मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, तब तक नंदिनी आती है, तो कहता आप भाग्यशाली हैं, माँ का काम पुत्री कर सकती है, इसलिए आप 21 दिन तक व्रतानुष्ठान करें, जब वो अपने बच्चे को दूध पिला दें उसके बाद आप उसका दूध का सेवन करें, जब वो बैठे तो बैठो, जब वो लेटे तो लेटे, इस तरह 21 दिन बैठे, 21वें दिन स्वयं नंदिनी पैदा करती है एक शेर, और शेर आके कहता है देखो ऐसा है कि तुम राजा हो, मैं नंदिनी को खाना चाहता हूँ, उसने कहा नहीं मुझे खा लीजिए, कहा आप अल्पस्य हे तो बहु हाथ मिर्चन विचार मूल हो प्रतिभा से मेतम, इतने आप मूर्ख हैं कि आपके पास हजारों लाखों गायें हैं वो आप एक गाय के लिए अपना शरीर दे रहे हैं, नहीं यही करना है। और फिर जब वो भेज जाते हैं तो नंदिनी हंसती हुई कहती है तुम्हारी परीक्षा हो गई, वत्स उठो दूध पियो तुम्हारे पुत्र। अब देखिए उस समय एक व्यक्ति एक जो जिसे कहते थे हम कहा करते हैं कि तीन चीज़ें चाहिए आपके पास आपकी सफलता के लिए, केवल तीन चीज़ें, वो है नंबर एक श्रद्धा जिसे फेथ कहते हैं, और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, और तीसरा जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सरेंडर समर्पण। आज तक कोई ऐसा देवता ऐसी कोई शक्ति नहीं हुई जिसने ये कह दिया हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपि पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो कृष्ण था जिसने कहा कि मैं दास हूँ दास हूँ, और अंत तक जो एक सारथी का जो रूप था वही रहा, और अंत में हमारे अर्जुन जब विजय हो जाती है तो आज के अहंकार जैसा होता है तो जब अर्जुन से कहते हैं उतरो अर्जुन नहीं उतरता, उसमें अहंकार आ गया, और उन्होंने पहले ही कहा था गीता में कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये अहंकार से हमें ओंकार की ओर जाना चाहिए। आप देखिए आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, हमें कहीं पर हम आपको कहीं से भी हो 10 करोड़ रुपए देते हैं, आप 0.00001 ग्राम ओंकार ला सकते हैं? नहीं ला सकते, आपको स्वयं ही उस ओंकार का साक्षात्कार करना पड़ता है। गुरु की करुणा होती है कारुण्य से कहते हैं, आप नहीं खरीद सकते, ये आपका जो कर्म है, तो यहाँ पर 3 सिद्धांत हो गए कर्म भक्ति और ज्ञान। आज का जो विषय है वो न तो कर्म की ओर हमें से जोड़ता है न भक्ति से जोड़ता है, सीधा सीधा इन्होंने मुझे मनीषा से मनन, जो मन मनन होता है जैसे अष्टांग योग में यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टेम्प्लेशन मेडिटेशन, तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आज के युग में,
कॉन्टेम्पलेट करने के लिए क्या कितनी भावनाएं आप हमें उन चीज़ों से जोड़ने के लिए जो है, जब आप उस चीज़ को माइंड जो है उसको, पहली बात तो माइंड क्या है, बहुत विषय ऐसे हैं जिन पर मुझे घंटों बोलना पड़ेगा, लेकिन माइंड ही ले लीजिए आप। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही तो है। और श्रद्धा उससे पूछती, मन कहीं ये क्या हुआ मनु। अब देखिए ना, हमारा मन किससे जुड़ता है, उस परामर्श से जो हमारे यहाँ पराशक्ति है, जिसके मन जो है वो हो सुप्रीम माइंड जो है उससे जुड़ता है। माइंड एंड सुप्रीम माइंड, तो सुप्रीम माइंड से जुड़ता है, थॉट बेस बढ़ती है और आप स्वयं समाधि में चले जाते हैं और घंटों आपकी पल्स, जैसे हमारी योगिनी माता 36 साल जिन्होंने खाना नहीं खाया सोई नहीं, मैंने उनको आंखों से देखा है कि चार चार घंटे उनकी पल्स नहीं। और हम लोग सोचते अब क्या, तो वो कहती थी किस तरह से आप हाथ और पैर, अगर आप चाह